तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, होप कि सब ठीक होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल टॉक में हम एनिमे के रिव्यूज देते रहते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं उस एनिमे के बारे में जिसने एनिमे वर्ल्ड में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इसकी मूवी वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे मूवी है। तो ऐसा क्या स्पेशल है इस एनिमे में, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डीमन स्लेयर या फिर किमेत्सु नो याबा एक ऐसा टिपिकल शोनन जिसने अपने पहले सीजन के एयर होते ही सभी एनिमे को सरपास करके 2020 के एनिमे ऑफ द ईयर के खिताब को अपने नाम किया। साथ साथ 2020 बेस्ट एनिमे बॉय, बेस्ट फाइटिंग सीन का भी खिताब अपने नाम कर चुका है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसके फाइटिंग सीन किस लेवल के होंगे। और इसकी अचीवमेंट से हम इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि लोगों के बीच इस एनिमे का कितना ज्यादा क्रेज है। इस एनिमे का पहला एपिसोड अप्रैल 2019 को एयर हुआ था और इसका लास्ट एपिसोड सितंबर 2019 को आया था। ये जापान के चैनल टोक्यो एमएक्स और जीटीवी पे टेलीकास्ट हुआ करता था। और इसके साथ साथ इसकी मांगा 2020 की बेस्ट सेलिंग मांगा रही थी, जिसने वन पीस जैसी नंबर वन मांगा को भी पीछे छोड़ दिया था। इसकी मांगा 2016 से 2020 तक चली थी, जिसमें टोटल 23 वॉल्यूम आए थे। जहाँ कुछ लोग इस एनिमे को बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे ओवररेटेड कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। जी हाँ, सही सुना, कुछ लोग इस एनिमे को ओवररेटेड भी बता रहे हैं, क्योंकि वो इस एनिमे को दूसरे एनिमे जो वो देख चुके हैं, जो पुराने लेजेंडरी एनिमे हैं, उनसे कंपेयर नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई भी एनिमे उनसे आगे निकले। ये ठीक ऐसा ही है जैसे सचिन सर के जमाने के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि विराट कोहली उनसे आगे निकले। ये तो हुई लोगों की बातें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर वो दो तीन लोग इस एनिमे की ब्यूटी से परे हैं। मतलब यार, इसकी जो एनिमेशन है वो इसकी ब्यूटी को दर्शाती है। इसके एनिमेशन पे जो यूफो टेबल ने डीपली काम किया है, उसे देखते एक ही शब्द निकलता है मुंह से, माइंड ब्लोइंग। ये तो हो गई एनिमेशन की बात। अब बात करते हैं इसके राइटर और डायरेक्टर की। राइटर की बात करें तो गाइस, इस एनिमे के जो राइटर हैं वो है कोयोहारो गोतोगे जी। और डायरेक्टर की बात करें तो इस एनिमे के डायरेक्टर हैं हारुई सोतोजाकी जी। अब आते हैं अपने एनिमे की प्लॉट की ओर। तांजीरो कमाडो, जो कि एक काइंड हार्टेड और बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय होता है, इस एनिमे का वो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। वो अपनी फैमिली के साथ बर्फीले पहाड़ों में रह रहा होता है। अपने फादर के मर जाने के बाद वो घर का इकलौता कमाने वाला बन जाता है और वो लकड़ियों का कोयला बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, पर कब तक? शायद डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं होता है। इसीलिए एक दिन जब तांजीरो बाहर गया होता है कोयला बेचने के लिए, तो उस दिन डीमेंस रात के समय उसके घर पे हमला कर देते हैं और उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स को मार देते हैं। तांजीरो जब वापस आता है तो वो देखता है उसकी फैमिली के सारे मेंबर मर चुके होते हैं, सिवाय निजुको को छोड़ के। निजुको बस तो जाती है, पर क्या आपको लगता है स्टोरी इतनी सिंपल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। निजुको बस जाती है, पर वो एक डीमन बन जाती है, जिसके बाद शुरू होती है एनिमे की मेन स्टोरी, जहां तांजीरो अपनी बहन को वापस इंसान बनाने के लिए निकल पड़ता है। आगे की स्टोरी में आपको स्पॉइल नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एनिमे को देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इस एनिमे की रियल ब्यूटी को समझ पाओगे। इस एनिमे ने ब्रदर और सिस्टर की बीच की बॉन्डिंग को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया है कि कोई भी इस एनिमे को देख के उसका फैन बन जाएगा। अब मुझे नहीं पता जिन लोगों ने इसे ओवररेटेड कहा है वो क्या सोच के कहा है, बिकॉज इन माई ओपिनियन दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ मास्टरपीसेस। इफ दे आर गिविंग ओपिनियन विदाउट वॉचिंग दिस एनिमे, देन दे आर द डम्बेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, एंड आई हैव ओनली वन वर्ड फॉर ऑल ऑफ देम। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस एनिमे की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है इसका एनिमेशन और इसकी फाइटिंग सीन्स, क्योंकि यूफो टेबल ने इसकी फाइटिंग सीन में सीजी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया है कि कई कई जगह मुझे इनकी फाइटिंग सीन में बहुत सारे गूसबम्प्स मिले, मानो कि आंखों के सामने फाइट चल रही हो। तो यार, यूफो टेबल के लिए एक लाइक तो बनता है। बात करें इसके सीजन की तो इसका एक ही सीजन रिलीज हुआ है, और बात करें इसके आर्क की तो मांगा में इसके 12 आर्क आ चुके हैं, बट एनिमे में इसके 6 ही आर्क एयर हुए हैं। इसके टोटल 26 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड में एक अलग ही सस्पेंस बना रहता है, आगे क्या होगा या क्या होने वाला है, सिचुएशन बनी रहती है।
खास करके इसके माउंटेन आर्क में। इस आर्क ने डीमन स्लेयर को उस ऊंचाइयों में ले जाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से वो फिर कभी नहीं नीचे आ सकता। जहाँ एक तरफ तांजीरो जो कि अपनी सिस्टर को बचाने के लिए रुई से लड़ता है, दूसरी तरफ रुई जो कि अपनी पावर से फेक रिलेशन बनाना चाहता है, हर चीज पे पूरा फोकस और दिल से काम किया गया है। इस आर्क के 19वें एपिसोड ने ऐसी हिपोक्रेसी सिचुएशन खड़ी कर दी थी जिसको देखने के बाद इसकी ऑथर खुद रो पड़ी थी। इस एपिसोड को देखने के बाद एक दो चीज मिलकर इस एपिसोड को अच्छा नहीं बनाती। मतलब सारा कुछ इसमें जो डाला गया है, अब वो चाहे तांजीरो और रुई के बीच की बातें, फाइटिंग सीन्स, तांजीरो के बचपन की मेमोरीज को एक्सप्लेन करना, इसके बैकग्राउंड सॉन्ग, रिलैक्सेबल हिनाकामी कागुरा डांस, निजोको का पहली बार बोलना, अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर देना, स्वर्ड से निकलती लाइटनिंग, इसका एनिमेशन, इसके एंटायर एपिसोड को पूरे एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एपिसोड बनाता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी एनिमे हो, अब वो चाहे न्यू हो या ओल्ड, वो तभी ग्रो करता है जब उस एनिमे की स्टोरी लाइन, एनिमेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, हर चीज सही तरीके से वर्क करे। कोई भी एक दो चीज मिलकर किसी भी एनिमे को बड़ा नहीं बना सकती। डेमन स्लेयर में इन सभी चीजों को एक अलग अलग लेवल में दिखाया गया है जिस कारण इस शोनन ने एनिमे ऑफ द ईयर के खिताब को तो अपने नाम किया ही किया, इसके साथ साथ लोगों के दिलों में एक छाप भी छोड़ दी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।